चीन के सबसे अमीर शख्स वांग जियानलिन को अपनी 91.7 अरब डॉलर यानी करीब 6,19,229 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए वारिस की तलाश है, क्योंकि प्रॉपर्टी से लेकर मीडिया कारोबार तक में बड़ा दखल रखने वाले वांग के बेटे ने उनका कारोबार संभालने से इनकार कर दिया है। बेटे के इनकार के बाद वांग ऐसे शख्स की तलाश में जुट गए हैं जो उनकी विरासत को अच्छी तरह से संभाल सके। वांग ने ऐलान किया है कि अब वह प्रोफेशनल मैनेजर्स में से किसी एक को अपनी कारोबारी विरासत सौंपेंगे। बिजनेस चैनल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वांडा ग्रुप के मालिक 62 साल के वांग जियानलिन ने कहा, मैंने अपने बेटे से कहा लेकिन उसका जवाब था कि वो मेरे जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वांग ने शनिवार को पेइचिंग में एक फोरम में ये बात कही। बता दें कि ये दूसरा मौका था जब चीनी दिग्गज कारोबारी ने अपनी विरासत परिवार के अलावा किसी दूसरे शख्स को सौंपने की बात कही है। इससे पहले मई में एक चीनी टीवी शो में उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे। वांग ने कहा, ये बेहतर होगा कि इस कारोबार को प्रोफेशनल मैनेजर्स को सौंप दिया जाए। अपने वारिस के चयन को लेकर वांग ने कहा, हम उन्हें बोर्ड से गाइड करते रहेंगे, हमारी नजर किसी एक विशेष कैंडिडेट पर नहीं है। इसके अलावा हम प्रतिस्पर्धा के जरिए उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। गौरतलब है कि वांग के इकलौते बेटे 29 वर्षीय वांग सिकोंग की वांडा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2% की हिस्सेदारी है। सिकोंग चीन में इंटरनेट सेलिब्रिटी है, वो ई स्पोर्ट्स और इंटरनेट कंपनियों के एक्टिव इन्वेस्टर भी हैं।